राजीव जी, ये बात आज स्पष्ट हो गई कि जो तीर है वो रावण की नाभि पे लगा है और ये बौखलाहट जो है ये स्वाभाविक है। ये संबित पात्रा वही व्यक्ति हैं जो उड़ीसा में अपने चुनाव क्षेत्र से हारे हैं, पेशे से डॉक्टर हैं और ONGC के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं, माने ऑयल कंपनी में हैं और हैं पेशे से डॉक्टर, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। और क्योंकि इन पे कृपा दृष्टि है इसलिए अपने संस्कारों का परिचय पूरे समाज को दे रहे हैं। अगर वो मीर जाफर हैं, अगर वो देशद्रोही हैं तो उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप ये देखिए, आज दो तीन घटनाएं राजीव जी घटी हैं, आप उन पे जरा बारीकी से ध्यान दीजिए। ये खबर आई कि जो किरण भाई पटेल को पुलिस ने गिरफ्तार किया, जो Z+ सिक्योरिटी लेके सेंसिटिव एरिया में घूम रहा था, उसके वकील ने पुलिस से और कोर्ट में ये कहा कि इसको तो आपने पकड़ लिया, दो और जो बीजेपी के नेता थे जो इसके साथ आए थे उसको आपने पकड़ के छोड़ क्यों दिया? अब वो दो नेता कौन हैं, वो दो लोग कौन हैं? एक नेता हैं पंड्या साहब हैं, जिनके जो अपने को बताते हैं कि वहां के चीफ मिनिस्टर के PRO हैं और 5 चीफ मिनिस्टर्स के PRO रहे, उनके पुत्र हैं। दूसरे जो हैं वो भी बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं। इसका माने एक षड्यंत्र था जो कश्मीर में ये भेजा गया था पटेल साहब को और पांड्या साहब को और तीसरे भी बीजेपी के बड़े नेता हैं, वहां जाके कुछ मेरे ख्याल से कुचक्र था, जिस प्रकार के कुचक्र पुलवामा में हुआ था और हमारे वीर सैनिकों की मौत हुई थी, और क्योंकि ये असफल हुए उसको कार्रवाई को करने में इसलिए इनको जेल में भेजा गया। तो वकील ने कहा कि साहब बाकी दो लोगों को आपने क्यों छोड़ दिया? अब आप देखिए, एक और घटना घटी है आसाम में, वहां जो प्रद्युत बोरा साहब हैं जो LDP के नेता हैं, उन्होंने पार्टी को मर्ज कर दिया है कांग्रेस में और उन्होंने ये कहा है कि अब हमारा प्रण है कि हम नॉर्थ ईस्ट से बीजेपी को साफ कर देंगे और ये व्यक्ति जो है राजनाथ सिंह के बहुत नजदीक हैं और अमित शाह के अपोजिशन के हैं। ये घटना घट रही है, इसका मतलब यह है कि जो नाभि में तीर लगा है वो एक तरह से इन लोगों को परेशान कर रहा है। कर्नाटक में राहुल जी पहुंच गए हैं और जो नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने गलती थी की थी कि वहां नहीं गए थे और चले गए थे, अब कश्मीर वहां पे कर्नाटक में उन्होंने कहा है कि वो सघन यात्रा करेंगे और पूरी तरह से वहां पे अपना पूरा टाइम डिवोट करेंगे, और जो ये नाभि में तीर उस दिन लगेगा तो सारा जहां अमृत छिपा हुआ था जो इनका जीवन दान दे रहा था उसकी पराजय और उसका पराभव जो है वो कर्नाटक से राजीव जी शुरू होगा। देखिए, इस समय ये लोग चीत्कार कर रहे हैं, ये लोग इस समय बेहवास हैं और जिस प्रकार से लोकसभा राज्यसभा में हो रहा है पूरा विश्व देख रहा है। और जो घटना आपने बताई मेहुल चोकसी अब विश्व में कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, लाखों करोड़ का मामला है और इनकी निगाह में दोषी कौन है? वो पत्रकार दोषी है जो मंत्री से प्रश्न पूछ लेता है। राहुल गांधी क्योंकि प्रश्न पूछ लेता है इसलिए राहुल गांधी मीर जफर हो गए। वो लड़की दोषी होती है जो कविता पढ़ती है, वो व्यक्ति दोषी हो गया, पुलिस पकड़ने आसाम पुलिस आ जाती है जो कि थोड़ा सा मिस इंटरप्रिटेशन करके नाम में थोड़ी सी गलती कर देता। मेहुल चोकसी दोषी नहीं है, किरण भाई पटेल दोषी नहीं है, पांड्या साहब दोषी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है राजीव जी, कहना नहीं चाहिए, हम लोग क्षेत्रवाद की बात नहीं करते, इस देश में गुजरात वासियों के लिए एक अलग कानून है और बाकी उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, राजस्थान के लोगों के लिए दूसरा कानून है। वास्तविकता में बिल्कुल क्षेत्रवाद चल रहा है इस देश को। पहले इन्होंने तोड़ा था हिंदू मुसलमान में, हिंदू वर्सेस सिख में। और एक चीज और देखिए, जो सिख उग्रवादी हैं उन्होंने पहले ब्रिटेन में हमारे दूतावास पे हमला किया, अब USA में भी हमला कर रहे हैं और हमारी सरकार इतनी अशक्त है कि उन उग्रवादियों को रोकने में और उनको विफल करने में असफल हो गई है। जो इन्होंने हिंदू राष्ट्र का नैरेटिव चलाया था, जो हम लोग सोच रहे थे, जो समझ रहे थे, ये जो फसल बो रहे हैं, जहर की फसल बो रहे हैं, इसकी फसल काटेंगे 20-25 साल लगेंगे, उसको 3 साल के अंदर फलीभूत हो गया। पूरे विश्व के अंदर सिख उग्रवादी, क्योंकि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वो कहते हैं हम क्यों ना सिख राष्ट्र की बात करें, ये लोग देश को तोड़ देंगे। जिस तरह से सावरकर ने इस देश से 2 नेशन थ्योरी लाकर इस देश का विभाजन किया था, मेरे प्यारे देश को तोड़ने का ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है ये कुचक्र रच रहा है। राजीव जी, आपके श्रोताओं को, आपके दर्शकों को सावधान हो जाना चाहिए, ये देश को तोड़ रहे हैं। अभी तक ये तोड़ते थे हिंदू मुसलमान में, अब ये गुजराती वर्सेस नॉन गुजराती में तोड़ रहे हैं, महाराष्ट्र के यूनिट्स को गुजरात ले जाते हैं और जो इनके बदमाश
और धूर्त और देश को लूटने वाले लोग हैं उनको इज्जत बरी करते हैं, जेड प्लस सिक्योरिटी लेकर अपने जो धूर्त लोग हैं उनको भेजते हैं किसी टारगेट को लेकर। हमारे देशवासियों को बिल्कुल एक प्रकार से सचेत हो जाना चाहिए। देश को तोड़ने का, मेरी भारत माता को तोड़ने का जो ये कुचक्र चल रहा है, देश को जागरूक हो जाना चाहिए, इन मूर्खों को सत्ता से हटा देना चाहिए, वरना ये देश का फिर विभाजन राजीव जी करवा देंगे। थाने में जो स्क्रिप्टिंग चल रही है इस पर देखिए राजीव जी, मैंने पढ़ा है अर्थशास्त्र और इस समय जो चल रहा है वो चल रहा है अनर्थशास्त्र, और ये मैंने पढ़ा नहीं है, तो इसलिए मैं बिल्कुल ये समझाने में अक्षम हूं कि ये समय हो क्या रहा है, इस समय देश में आर्थिक स्थिति का क्या हो रहा है। और मैं राजीव जी को स्पष्ट बताऊं, गुजरात के वासियों से हाथ जोड़ के उनसे क्षमा मांगते हुए मैं ये सूचित करना चाहता हूं कि मेरे घर में हम लोग ढोकला बहुत खाते थे, अब मैंने अपनी पत्नी से कह दिया अब ढोकला फाफड़ा हम नहीं खाएंगे, क्योंकि ये अगर इस तरह की चीज खाने से ऐसा होता है, मैं गुजरात गया अभी दर्शन करने, गया सोमनाथ मंदिर, गया द्वारकाधीश गया, और इतने अच्छे लोग, इतने प्यारे लोग, इतना अच्छा खाना, इतने अच्छे संस्कार, और वहां पे ऐसे लोग पैदा होते हैं, और ये हमारी गुजरात की जनता इनको सहन कर। स्वामी जी माफी चाहूंगा, जनरलाइज मत कीजिए, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, वहीं से गांधी निकले, वहीं से पटेल निकले, है ना, नहीं नहीं, मैं उन्हीं की बड़ाई कर रहा हूं, और यहीं से शुरुआत होती है, तो इसलिए आप इतना जनरलाइज मत कीजिए। और गुजराती खाना बहुत अच्छा खाना है, जरूर खाइए, मुझे भी बहुत पसंद है, खाइए भी और खिलाइए भी। नहीं नहीं राजीव जी, मैं बात कह रहा था, आपने कहने का अवसर नहीं दिया, मैं कह रहा हूं अभी सोमनाथ मंदिर और द्वारकाधीश के दर्शन करने गया, वहां के लोग इतने प्यारे हैं, इतने अच्छे हैं, वहां का खाना इतना अच्छा है। BHU से जहां पढ़ाऊं, गुजरात के बच्चे पढ़ते थे, बड़े अच्छे और बड़े संस्कारी होते थे। मैं केवल जो बात कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि ये पूरे देश में जो लोग नहीं पैदा होते, ये सारे लोग हर्षद मेहता, केतन पारेख, मेहुल चौकसी, केतन, और गुजरात के लोगों के मैसेजेस आए, मैं आपको दिखा सकता हूं, वो कह रहे हैं कि स्वामी साहब हम शर्मसार हैं कि हमारी धरती से, इतनी पवित्र धरती से जहां पे महात्मा गांधी और सरदार पटेल पैदा हुए हैं, जिसने गुजरात आंदोलन, जयप्रकाश का जो आंदोलन था, इसके सूत्रधार गुजरात के बच्चे थे, आज मेरी उम्र के होंगे वो, जो नर निर्माण आंदोलन चला था जहां पे केवल तेल के दाम बढ़ने से वहां के बच्चों ने आंदोलन, जयप्रकाश का आंदोलन बिहार में बाद में शुरू हुआ था, गुजरात से शुरू हुआ था। इसीलिए मैंने कहा गुजरात के लोगों के फोन आ रहे हैं आपको, मैं दिखा सकता हूं, मैसेज आ रहे हैं मैं दिखा सकता हूं, वो कह रहे हैं स्वामी साहब हम शर्मसार हैं, ये फाफड़ा और ढोकला खाना शुरू कर दीजिए। चलिए उनकी बात मान के मैं शुरू कर दूंगा। अब चलिए एक और बात करता हूं, वास्तविकता में आप ये देखिए कि इस देश के इतिहास में पूरी तरह से देश को, मैं सारे देशभक्तों को और देश को जोड़ने वालों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, विशेषकर युवाओं से प्रार्थना करता हूं, हमारे देश में दलितों के साथ जिस तरह मेरे सवर्ण, मैं सवर्ण हूं, हमारे दलित पूर्वजों ने अत्याचार किया है और जिस तरह से आज भी अत्याचार करते हैं, मैं उसका कन्फेशन करना चाहता हूं, मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं, और मैं अपने दलित भाइयों से और परिवारों से ये कहता हूं हाथ जोड़ के, मैं ब्राह्मण आपसे माफी मांगता हूं जो मेरे पूर्वजों ने आपके साथ अत्याचार किया, क्योंकि मेरा दोष नहीं था, मेरे पूर्वजों ने किया था, मैं नहीं करूंगा, आपके साथ बैठ के थाली में रोटी खाऊंगा। लेकिन अगर टीपू सुल्तान औरंगजेब ने क्यों किया था, तो ये पंचर लगाने वाला जो अब्दुल है उसको क्यों मारते हो भाई, उसको क्यों पीटते हो, जो हमारे देश में अपनी जो शरीर है उसको गाड़ने के लिए तैयार है और देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार है, क्यों तुम अशफाकुल्ला खां की आत्मा को कष्ट देते हो, क्यों अब्दुल हमीद की आत्मा को कष्ट देते हो। तो मैं केवल एक बात ये राजीव जी कह रहा था, बिल्कुल मैं किसी की भावना को और मैं दिल से सम्मान करता हूं, और उन लोगों के वो जो मेरे आराध्य हैं, जो मेरे महात्मा गांधी, जब मैं गया वहां पोरबंदर में, मैं किसी के इस तरह चरणों में नहीं लेटा हूं, आंखों में आंसू झरझर बह रहे थे जब मैं गांधी जी के चरणों में लेटा था, क्योंकि उस पवित्र भूमि ने उस महात्मा को पैदा किया जो विश्व का सबसे बड़ा संत था, महासंत था, और उस धरती ने अगर इन दुष्टों को पैदा किया है तो उनको सोचना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से अपना छुटकारा पाएं, और गुजरात की जो पवित्र भूमि है उसकी जो पवित्रता है उसको बचाए रखने के लिए ये सारे लोग, आप एक तरफ से देखिए, ये मत कहिए एक विजय माल्या का नाम, हर्षद मेहता, केतन पारेख, गौतम अडानी, विनोद अडानी, ये आपके किरण सिंह हैं, आपके जितने लोग हैं, ये सारे लोग वहां से, उनको प्रश्रय कौन दे रहा है, एक बिहार यूपी वाले का नाम बता दीजिए आप।
तो प्रश्न एक कहीं कुछ नहीं है। तो ये गुजरात के लोगों को सोचना पड़ेगा कि अगर महाराष्ट्र के इंडस्ट्री को हड़प कर आप इनसे वोट ले लेते हैं तो इसकी प्रतिक्रिया होगी। हम राष्ट्रभक्त लोग हैं, हम देशभक्त लोग हैं, हम किसी के खिलाफ नहीं बोलते, हम मुसलमान हिंदू सिख ईसाई सारे देश को एक मानते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो अत्याचार आपके ये जो मठाधीश कर रहे हैं और पूरे देश की संपत्ति कुछ गुंडे बदमाशों को देना चाह रहे हैं और देश को हिंदू मुसलमान और गुजराती नॉन गुजराती में तोड़ना चाह रहे हैं, हम आगाह करते हैं और प्रार्थना करते हैं इस देश को सशक्त कीजिए और मैं ढोकला फाफड़ा राजीव जी दोबारा खाना शुरू कर दूंगा। आपने कहा